मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। इस पेपर में टेरिडोफाइटा के बारे में हम बात करेंगे और इसमें स्टील के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो स्टील है वो क्या है? स्टील फ्लोएम एंड जाइलम को कंबाइंड रूप से स्टील कहते हैं और ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। इसका मतलब होता है पिलर। और ये जो स्टील के बारे में, टाइप्स ऑफ स्टील, वैन टिगमैन ने इसको रिकॉग्नाइज किया और उसके टाइप्स बताए। जाइलम मिनरल्स एंड वाटर को रूट से अब्सॉर्ब करके और ये पूरे प्लांट्स को सप्लाई करता है। प्लांट में फूड जो पत्तियां या ग्रीन टिश्यू से जो बनता है उसको पूरे पार्ट्स में सप्लाई करने का काम फ्लोएम करता है। और सबसे पहले ज़मीन पर आने वाले प्लांट्स टेरिडोफाइटा थे, तो यहाँ पर सबसे प्रीमिटिव से एडवांस स्टेज देखने को मिलेगी। तो इनके टाइप्स को बेसिकली जेफरी ने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो जाइलम सेंटर पार्ट है और उसके चारों तरफ एक सर्किल फ्लोएम का है। तो फ्लोएम एंड जाइलम कंबाइंड रूप से एक साथ है। और लेकिन अगर जाइलम के बीच में सॉफ्ट टिश्यू या यहाँ पर स्पेस या खाली जगह हो तो उसे हम पिथ कहते हैं। तो पिथ की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें पिथ एब्सेंट है उसे प्रोटोस्टील और जिसमें पिथ प्रेजेंट है उसे साइफनोस्टील कहा। तो प्रोटोस्टील जिसमें पिथ एब्सेंट है, प्रोटोस्टील में सबसे प्रिमिटिव टाइप में जिसमें सेंटर में जाइलम है और उसके चारों तरफ एक सराउंड में एक फ्लोएम सर्किल है और सेंटर में कुछ भी नहीं है, इंटैक्ट सर्किल्स, इसे हम कहते हैं हैप्लोस्टील। ये इसमें एग्जांपल है सिलिजनेला की स्पीशीज़ में ये मिलता है। दूसरा है एक्टिनोस्टील। जब ये सर्किल, जाइलम का सर्किल एक सर्किल नहीं होके इसमें सभी कोनों पे कुछ पार्ट्स में रिब्स बढ़ जाती है और ये रिब्स है, ये 5 to 6 में भी 3 to 6 रिब जब इसमें बन जाती है तो इनके बीच बीच में फ्लोएम के पैचेस बन जाते हैं। दे लुक लाइक स्टार लाइक और ये साइलेंटम की स्पीशीज में मिलता है जिसे हम कहते हैं एक्टिनोस्टील। सभी स्टील में या सभी टेरिडोफाइटा की स्पीशीज के अंदर जाइलम में वैसल एब्सेंट है और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल या सहकोशिका एब्सेंट होती है। और प्रोटोजाइलम की पोजीशन हमेशा पेरिफेरल साइड में या एक्सार्च होती है। प्लैक्टोस्टील थर्ड टाइप का है। प्रोटोस्टील के अंदर प्लैक्टोस्टील, जाइलम की रिब्स हैं वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती हैं और उनकी प्लेट्स के बीच बीच में फ्लोएम के पैचेस या उसके सराउंड में और बीच में पैचेस फ्लोएम के बन जाते हैं। ये हमें लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है और इसे हम कहते हैं प्लेट लाइक, प्लैक्टोस्टील। एंड फोर्थ नंबर है मिक्स पिथ स्टील। इनमें क्या होता है कि जाइलम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है
जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम सेंटर की ओर। लेकिन ये पैचेस बन जाते हैं जिनके बीच बीच में फ्लोएम के पैचेस भी बन जाते हैं। तो ये मिक्स कहीं फ्लोएम एंड जाइलम, तो एक स्कैटर्ड उसमें आ जाते हैं छोटे छोटे पैचेस में, जिसे हम कहते हैं मिक्स प्रोटो स्टील। और ये सभी टाइप में पिथ एब्सेंट है। दूसरा टाइप है साइफनोस्टील, यानी कि जिसमें पिथ प्रेजेंट है, जैसे साइफन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए इसे साइफनोस्टील का। और जाइलम के बीच में पैरेन्काइमेटस टिश्यू का पैच होना, उसके बाद में जाइलम देन फ्लोएम। तो सेंटर में पैरेन्काइमेटस या वहाँ पर स्पेस है, तो इस सर्किल जो है वो इंटैक्ट है। साइफनोस्टील में भी हम इसी वे में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला साइफनोस्टील, जहाँ पर पिथ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर बाहर के सर्किल जाइलम, उसके बाद में फ्लोएम, और फ्लोएम के बाद में होता है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस बाहर की ओर प्रेजेंट है, और ये एंडोडर्मिस फ्लोएम बाहर है तो उसे हम कहेंगे, जाइलम अंदर है तो एक्टोफ्लोइक कंडीशन। अगर फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर है तो उसे हम कहेंगे एंडोफ्लोइक, और यदि फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर हो तो हम उसे कहेंगे एम्फीफ्लोइक कंडीशन। जब साइफनोस्टील में सेंटर में पित्त है, उसके बाद जाइलम है और फ्लोएम और एंडोडर्मिस, यानी कि जो सर्किल है उसमें कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है और ये पूरा सर्किल के रूप में प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे सोलिनोस्टील, इंटैक्ट सर्किल। और अब यदि जब किसी प्लांट पे कोई ट्रेस या कोई प्लांट्स या लीफ किसी टहनी पर वाटर सप्लाई देना है, तो उसके लिए इनका जो सिलेंडर या स्टील किस तरह से उससे कनेक्ट होती है, तो उसमें कैसे उसकी ब्रांचिंग होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। जब कोई ट्रेस सेंटर ट्रेस से उसके ब्रांच या लीफ में जाता है, तो ये जो सर्किल है वो ब्रेक हो जाता है अकॉर्डिंग टू जेफ्री। तो ये जो ब्रेक हो जाता है, वहाँ पर उसके अपर साइड में एक स्मॉल इसका स्पेस बनता है, जो सिलेंडर में ऊपर की साइड में एक स्पेस बन जाएगा। जो ट्रेस जा रहा है उसे हम कहेंगे लीफ या ब्रांच ट्रेस, और उसके ऊपर जो गैप बन रहा है, स्पेस बन रहा है, उसे कहेंगे लीफ गैप या ब्रांच गैप। जब ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे पूरा सर्किल बहुत सारे ओवरलैपिंग लीफ गैप और लीफ ब्रांचेस बनते हैं, तो ये सारा सर्किल वो ब्रेक हो जाता है। ये स्टील वो है, वो सर्किल नहीं होके बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसे हम कहेंगे डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील के बाद में यदि यहाँ पर फ्लोएम केवल बाहर की ओर है और उसके बाद में है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बाहर है और फ्लोएम अंदर है, और उसके इनर साइड में है जाइलम। यदि फ्लोएम जाइलम के अंदर भी है एम्फीफ्लोइक कंडीशन में हो, यानी कि जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम प्रेजेंट हो और सारे जो स्टील है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया है, तो एंडोडर्मिस बढ़कर वो चारों ओर जाइलम एंड फ्लोएम को कवर कर लेती है, तो ये एज ए एक इंडिपेंडेंट स्टील के रूप में वर्क करते हैं, जिसे हम कहते हैं मैरी स्टील। तो स्टील कितने प्रकार के होते हैं,
और ये किस तरह से डिफरेंट स्पीशीज में टेरिडोफाइटा में हमें देखने को मिलते हैं, प्रीमिटिव से एडवांस। तो प्रोटोस्टील को प्रीमिटिव कंडीशन माना गया है और इसमें पित्त का प्रेजेंट होना और उसके बाद में इनके कॉम्प्लिकेशन है वो एडवांसमेंट को बताता है।